नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको इंट्राडे के लिए दो बेस्ट स्टॉक बताऊंगा जिनमें आपको मंडे के दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो में आप बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मौसम में कुछ इंट्राडे की कॉल पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरे टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश के लेवल होते हैं, कोई फ्यूचर का लेवल नहीं होता। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ट पर वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूं, मेरे इनमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। चलिए देखते हैं, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो फ्राइडे के लिए दो स्टॉक दिए थे उनकी परफॉर्मेंस में कैसे देखने को मिली। दोस्तों, मैंने आपको जो पहला स्टॉक दिया था गोदरेज सीपी का, गोदरेज सीपी का मैंने आपको बाय दिया था 6.5 के ऊपर और सेल दिया था 6.47 के नीचे। तो स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ, इसने ओपन किया 6.28 पर, इसमें हमारी बाय या सेल कॉल कोई भी एक्टिवेट नहीं हुई। चलिए देखते हैं जो दूसरा स्टॉक था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, मैंने आपको जो दूसरा स्टॉक दिया था एशियन पेंट का, मैंने आपको सेल दिया था 1.870 के नीचे। तो स्टॉक ने यहाँ पर ओपन किया 1.840 पर, इसमें हमारी सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। अगर बात करें बाय साइड की, मैंने आपको बाय दिया था 1.880 के ऊपर। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन हो रहा है 40 से 50 पॉइंट का, तो आप देखते हैं मैंने आपको बाय दिया था 1.880 के ऊपर, इसने ओपन किया 1.840 पर। अब अगर स्टॉक इतना नीचे ओपन होने के बाद स्टॉक ऊपर भी जाता है, आपके बाय कॉल को एक्टिवेट भी करता है, तो आपको उसमें एंट्री नहीं करनी है, जस्ट बिकॉज अगर स्टॉक ऑलरेडी नीचे से 40 पॉइंट से अधिक का अब ट्रेंड दिखा चुका है, तो स्टॉक अगर आपकी कॉल एक्टिवेट भी होती है तो स्टॉक उससे ऊपर नहीं जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टॉक 5 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद दूसरे साइड में एक्टिवेट होता तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर स्टॉक 40 से 50 पॉइंट का ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका है तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि स्टॉक के अब जाने के चांसेस नहीं हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से ओपन हुआ, पहली कैंडल में इसने अपने 40 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया, स्टॉक फिर रेंज में चलता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपने आप को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जितना भी यहाँ पर लोगों ने बाई किया था, यहाँ पर इतनी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक फिर नीचे आ गया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर स्टॉक पहले ही बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है तो आपको उसमें दोबारा एंट्री नहीं करनी है। चलिए देखते हैं जो दो स्टॉक हैं मंडे के लिए वो कौन से हैं। पहला स्टॉक हमारा एसीसी का, देखिए एसीसी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ, अगर अपने फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है अपसाइड में निकलता है तो उसको हम बाई करेंगे 1.308 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1.298 का, हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 1.318, सेकेंड टारगेट 1.328, अंतिम टारगेट रहेगा 1.338 का। अगर एसीसी नीचे को निकलता है तो उसको हम सेल करेंगे 1.297 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1.307 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1.287, सेकंड टारगेट 1.277, अंतिम टारगेट रहेगा 1.267 का। दोस्तों, आपको बता दूं हमारा एक अलग पर्सनल ग्रुप है जहां पर आपको लाइव मार्केट में कुछ इंट्राडे की कॉल्स मिलती हैं, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलता है। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो कृपया मुझे ऐसे ही मैसेज ना करें। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर कृपया मुझे ऐड कर दीजिए ग्रुप में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको उस ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू, अपस्टॉक्स और जीरोधा। इन चारों में से आप किसी में भी अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, फिर आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपना डीमैट अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपका पहले से किसी कंपनी में अकाउंट है तो आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इन चारों में से किसी कंपनी में अकाउंट ओपन करते हैं तो ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इस चीज़ को आप प्लीज़ समझें। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते रहते हैं ऐड होने के लिए और कहते हैं मेरा अकाउंट जीरोधा में पहले से है, मेरा अकाउंट आप स्टॉक में पहले से। तो आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे, नया अकाउंट ओपन करेंगे, तो ही आप इसको बेनिफिट ले पाएंगे। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट आप स्टॉक्स में पहले से है तो आप एंजल ब्रोकिंग, एलाइस ब्लू या जीरोधा में ओपन कर लीजिए। अगर आपका किसी एक में अकाउंट पहले से है और आपको बेनिफिट लेना है तो आप किसी दूसरे में अकाउंट ओपन कर लीजिए इन चारों ऑप्शंस में से, तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस चीज़ को आप कृपया ध्यान में रखें। हमारा आज का अंतिम स्टॉक माइंडट्री का, देखिए माइंडट्री स्टॉक एक चैनल में है, एक अप ट्रेंड चैनल में है। अगर चैनल से बाहर निकलता है तो इसको हम बाय करेंगे 984 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 976 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 992, सेकेंड टारगेट 1.00, अंतिम टारगेट रहेगा 1.08 का। मैं आपको बता दूं, आपको माइंडट्री में एंट्री तभी करनी है, माइंडट्री या एसीसी में, जब स्टॉक उस प्राइस के ऊपर या नीचे कम से कम एक मिनट तक सस्टेन करेगा। अगर स्टॉक सस्टेन नहीं करता, सिर्फ टच करके प्राइस रिवर्स होता है, तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। माइंडट्री को हम सेल करेंगे 969 के नीचे।
स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 977 का, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 961, सेकंड टारगेट 953, अंतिम टारगेट रहेगा 945 का। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं, यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल का आइकन जरूर दबाएं जिससे मेरे हर वीडियो आपको समय से मिलते रहे। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।